मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घटिया छाए मिलने के बाद अब एक सरकारी अफसर पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान खजुराहो दौरे के लिए गए हुए थे। उनके इस दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें चाय परोसी गई थी। बताया जा रहा है कि चाय घटिया थी, जिसके बाद अब सरकारी अफसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक खजुराहो विजिट के दौरान एयरपोर्ट पर अमानक स्तर की चाय पिलाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब उनकी उम्र रेस की नहीं रेस्ट की है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रेस लगाने की चुनौती दी थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की जिंदादिली को सलाम है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनकी उम्र रेस लगाने की नहीं रेस्ट करने की है। उन्होंने कहा कि वैसे वह रेस लगाने की जगह विकास की रेस लगाते तो उनके विधायक छोड़कर नहीं जाते, पार्टी नहीं टूटती। मिश्रा ने कहा कि वैसे भी काम करने और मुंह चलाने में अंतर होता है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को इस उम्र में रेस लगाने का जोखिम न लेने की सलाह भी दी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में घटिया सड़क निर्माण को देखकर विधायक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सीएमओ और इंजीनियर को फटकार लगा दी। मामला पोलाईकला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का है। दरअसल काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी अपने क्षेत्र में जनसंपर्क पर थे। इस दौरान जब उन्होंने सड़क की हालत देखी तो उन्हें गुस्सा आ गया। विधायक ने कलेक्टर को फोन करके इसकी शिकायत की और सीएमओ और इंजीनियर को मुर्गा बनाने की धमकी दे डाली। मध्य प्रदेश में राजधानी सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर हो रही झमाझम बारिश के बीच अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और शहडोल संभाग के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित राज्य के अनेक स्थानों पर झमाझम वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में जिले में 91.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। राजधानी भोपाल के पौश इलाकों, न्यू मार्केट, अरेरा कॉलोनी और भेल क्षेत्र में भी स्थान स्थान पर जलभराव के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी भोपाल के करुंदर क्षेत्र में नालों के उफान पर आने के कारण कुछ बस्तियां बाकी क्षेत्रों से कट गई। यही स्थिति स्थानीय गांधीनगर, सिंधी कॉलोनी, ऐशबाग आदि क्षेत्रों में भी रही। एक और जहां एमपी में दूसरे चरण के मतदान होना है, वहीं दूसरी ओर ऐसे में फर्जी मतदाता परिचय पत्र बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग 130 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।